अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग एनईडी के राउंड 2 के डे 1 के क्वेश्चंस को। यार आई वाज लिटरली थिंकिंग कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, क्योंकि भाई मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मेरी पास पेपर की इस प्लेलिस्ट से रिपीट हो रही हैं। जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं ऐसा मालूम होता है कि भाई मेरे पर्टिकुलरली लेक्चर्स को लेने के बाद ही एनईडी के एग्जामिनर्स माशाल्लाह से पेपर को डिजाइन कर रहे हैं। तो भाई अगर आपने समझ के तरीके से एनईडी के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, पास पेपर्स को कवर किया हुआ है, स्पेसिफिकली ये जो मेरी मैराथन वीडियो थी इसको लाजमी तौर पे कवर अप करें, सारे क्वेश्चन इससे हैं, नहीं तो 2024 के राउंड वन के पहले दिन के मैंने जो रिक्रिएशन करी थी, या फिर इस प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे 2005 से जितने एनईडी के पेपर्स हुए थे मैंने सारे सॉल्व करवाए थे, जितने एनईडी के कंप्राइज टेस्ट थे मैंने सारे सॉल्व करवाए हुए, 2020 से 21, 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, 2020 से 21 के तमाम पेपर्स को मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। खुदा रहा कुछ नहीं करना आप लोगों ने, मैथ्स में अगर पूरे नंबर चाहते हो तो बेटा इन पर्टिकुलरली वीडियोस को काइंडली गो थ्रू कर लीजिएगा, इन वीडियोस में जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं सारे कवर अप कर लो समझ के, आप आराम से एनईडी के टेस्ट में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मेरी आपको गारंटी है। वाइल ऑन दी अदर हैंड बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कैसे थे मैं वो सारे के सारे आपसे शेयर कर देता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ फाइल का लिंक डाल दूंगा, उसमें सारे क्वेश्चन जो आज के टेस्ट में एनईडी के आए थे, कौन कौन से ऐसे आए थे। भाई आपको एक चीज जहन में रखनी पड़ेगी कि भाई हर बच्चे का पेपर दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है। मैंने 5-5 घंटे की जो वीडियो बनाई है, 1-1 घंटे की जो वीडियो बनाई है, आप सिर्फ 20 क्वेश्चन जो दूसरे के पेपर में आए हैं वो आपके पेपर में नहीं आएंगे बेटा, आपके पेपर में मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे, हर बच्चे के पेपर में मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे। मैथ्स के अंदर जितने एनईडी के सॉफ्टवेयर के अंदर क्वेश्चन थे मैंने सारे सॉल्व करवाए हुए, मैं आपको चंद उनमें से भी करवाऊंगा, अभी आपको आइडिया हो जाएगा। वाइल इंग्लिश के अंदर बहुत से बच्चों के डिफरेंट एसेज आए थे मैंने वो भी सारे करवाए हैं। भाई ये रमीज कामरान साहब हैं जिन्होंने एनईडी के अंदर पहली पोजीशन हासिल करी है राउंड वन के अंदर, और देखते हैं इस दफा इनका रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि एनईडी की राउंड वन की पहली पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, मेरे शागिर्द के पास है, रमीज कामरान के पास। अच्छा मैं एक क्वेश्चन को यहाँ पे जरा पहले डिफाइन कर दूं, ये क्वेश्चन है एफएक्स वाला, इसमें मेजोरिटी बच्चे परेशान चल रहे होते हैं। मैंने ऑल टू जिन बच्चों ने मुझसे तरीके से तैयारी करी है मैंने उनको बहुत दफा बताया है कि बेटा एनईडी के सॉफ्टवेयर के अंदर ये क्वेश्चन गलत गिवन है, सही है ना। डिफरेंट इदारे जो होते हैं ना वो रीमेक करते हैं, डिफरेंट इदारे जो होते हैं वो अपने बच्चों से कहने के ऊपर क्वेश्चंस को रीडिजाइन करते हैं, फनकारी करते हैं। मैं ऐसे कोई भी काम नहीं करता बेटा, जो बच्चा मुझे ओरिजिनल पेपर बताते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो डिजाइन करता हूँ। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 7, आगे गिवन है माइनस का 97, एक्स की पावर 6 प्लस का 99, एक्स की पावर 4 माइनस का 2, एक्स प्लस का 190। भाई ये क्वेश्चन एनईडी के सॉफ्टवेयर में बेटा गलत गिवन है, सही है ना। इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, मैं आपको पहले लॉजिक बता देता हूँ। देखो भाई इस क्वेश्चन की ओरिजिनली जो क्वेश्चन एनईडी के सॉफ्टवेयर में आ रहा है वो ये आ रहा है, सही है। इसकी लॉजिक ये है कि भाई आपको फंक्शन की डोमेन दी हुई है, डोमेन का मतलब है कि एफ के अंदर जो वैल्यू गिवन है फंक्शन की डोमेन होती है, इनपुट है। तो जहां जहां फंक्शन में एक्स आ रहा है ना वहां पे आप 99 को प्लॉट करोगे, जहां जहां एक्स आ रहे हैं वहां 99 को प्लॉट करोगे, कैलकुलेटर पे प्लॉट कर लीजिए, आपका जो आंसर आएगा ना वो ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। तो भाई इस केस में मैंने आपको 2022 की या 2023 की वीडियो में भी बताया था कि बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व फिर कैसे करोगे, मैंने आपको ओरिजिनली क्वेश्चन बताया था कि भाई इस क्वेश्चन में गलती क्या है। आई डोंट रिमेम्बर नाउ कि ओरिजिनली इस क्वेश्चन में गलती क्या थी, मेरे ख्याल में प्लस माइनस ही कहीं पे गलती है। उसके ऊपर जब आप इसको सही से सॉल्व करोगे इसका आंसर माइनस का 8 आता है, सही है ना। तो इसको अपने जहन में रखिएगा, एनईडी के सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन में गलती है। अच्छा बहुत से इदारे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को छाप छाप के अपने पास रखा हुआ है, किसी ने नेगेटिव के 99 के ऊपर, किसी ने प्लस के 9 के ऊपर, किसी ने 100 के ऊपर। तो भाई मैंने इस क्वेश्चन को बाद में भी सॉल्व करवाया था, मैंने आपको प्रॉपरली इसका तरीका बताया था सॉल्व करने का कि देखो कभी भी फंक्शन के अंदर जो वैल्यू गिवन होती है ना उसको आप थ्रू आउट द फंक्शन प्लॉट करते हो, प्लॉट करने पे आंसर निकालो, अगर तो ऑप्शन से मैच कर रहा है वेल एंड गुड है, नहीं मैच कर रहा तो इसकी एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि चूंकि एनईडी के सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन गलत गिवन है तो भाई आपको आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, आपको यहाँ पे एक रॉन्ग नंबर का आपको रॉन्ग नंबर हो जाएगा आपका फजूल के अंदर। उससे बेहतर तरीके कार क्या है, और तो एनईडी में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती मगर जाहिर सी बात है आपके फ्री के नंबर गलत हो जाएंगे, तो उससे बेहतर तरीका ये कि अगर ये क्वेश्चन आपके एनईडी के पेपर में आए तो उसको -8 पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि भाई जिस वेबसाइट से एनईडी ने क्वेश्चन उठाया था उस वेबसाइट पे इसका आंसर नेगेटिव का 8 था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली को वेबसाइट क्या थी, मुझे याद पड़ता है जब मैंने 2022-2023 की वीडियो बनाई थी मैंने उसमें बताया था कि भाई कौन सी वेबसाइट से उठाया है और उसका करेक्ट आंसर था नेगेटिव का 8। तो भाई अगर तो ये क्वेश्चन एनईडी के सॉफ्टवेयर में आए, एनईडी के आपके पेपर में आए, तो इसका आंसर नेगेटिव का 8 टिक करके आ जाइएगा, क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, सही है ना। ये मैंने आपको एक चीज बताई भी है, अदरवाइज अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो भाई प्रॉपर सॉल्व करोगे, मैंने आपको जैसे तरीकेकार बताया ना कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन लिखी हुई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस का 2x प्लस का 4x की पावर क्यूब एंड सो ऑन, तो लेट सपोज एग्जामिनर कह रहे हैं एफ इंटू 2 पे सॉल्व करना है, तो भाई जहां जहां एक्स आ रहा है वहां 2 प्लॉट कर दो, इसकी लॉजिक ये होती है, सही है ना। तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का 2, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस का 4 अगेन एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा,
सिंपलीफाई करोगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12 बन गया, 2 2 4 होता है, 2 की पावर क्यूब 8 होता है, और 4 8 हमारे पास 32 होता है, तो ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। ये इसकी लॉजिक है कि भाई जो भी आपके पास यहाँ पे इनपुट में वैल्यू गिवन होती है उसको प्लॉट करने के बाद आंसर निकालते हो। मगर चूंकि एनडी के सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन गलत गिवन है इसलिए आपको उसका ख्याल रखना है। देखो भाई सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास मैराथन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हुए। एनडी की मैराथन का एक क्वेश्चन है कि भाई इंटीग्रेशन π/2 और 0 की लिमिट गिवन है, cos क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, मैंने आपको उसकी शॉर्टकट भी बताई थी कि रिडक्शन फॉर्मूले पे इसकी शॉर्टकट क्या होती है, किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई भाई, मैंने आपको इसका पूरे आपको एक चीज बताई हुई है। अच्छा जैसे भाई ये एक इंस्टीट्यूट ने छाप के मेरे ही क्वेश्चन को छाप के उन्होंने बनाया था, तो भाई इन्होंने नन लगाया हुआ है, अगर ऑप्शंस में नन मौजूद नहीं है इसलिए जैसे मैंने आपसे कहा नेगेटिव का 8 आंसर होगा। अच्छा अगेन प्रोबेबिलिटी के अंदर वो एक क्वेश्चन के भाई ब्लैक किंग कार्ड को सिलेक्ट करना है, जिसको मैंने डे 1 के क्वेश्चन में करवाया था, अभी एनईडी राउंड 1 की 2024 के डे 1 के उसमें करवाया था मैंने, वो एक क्वेश्चन बहुत आया हुआ था। दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास पिक्चर कार्ड आने की या फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो भाई देखो हमारे पास एक डेक के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, और फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 12, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 12/52 के बराबर, क्योंकि फेस कार्ड आपके पास हर ग्रुप के 3 होते हैं, 3 4 12, टोटल फेस कार्ड कितने हैं 12। अच्छा एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन बताया उसके पेपर में आया था नॉन फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो समझ के अगर करोगे ना मेरे लेक्चर, समझ के अगर आपने लिया इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है टोटल कार्ड 52 होते हैं, अगर 12 कार्ड जो है वो फेस कार्ड है तो नॉन फेस कार्ड क्या होंगे, 52 में से 12 को माइनस कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 40। तो सिंपल तरीके से नॉन फेस कार्ड क्या है, 40 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 40/52 के बराबर। भाई अगेन मैं आपसे कहूंगा एनईडी की मैराथन को कवर कर लीजिए, मैंने एक एक चीज आपको बताई हुई है। देखिए सर दिस फॉर रिपीटेड ईच एंड एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया था, सही है ना, ये माशाल्लाह से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चों 90+ स्कोर किया था, तो उनकी सारी शागिर्द हैं। अच्छा ये क्वेश्चन एनईडी का नहीं है यार, नस के पेपर चल रहे तो उनका क्वेश्चन है। खैर ये देखो भाई सर sin x = 3/4 था, देन cos x की वैल्यू पूछी हुई थी, बट नो ऑप्शन वॉज दियर रिगार्डिंग इट, चेक कर लेते हैं बेटा कि भाई देखो साइन एक्स की वैल्यू अगर आपको गिवन है 3/4, एग्जामिनर कह रहा है कि cos x की वैल्यू क्या होगी, भाई मैंने आपको इसी तरीकेकार बताया हुआ है, सम पीपल हैव यानी कि पीपल की वैल्यू आपके पास 3 है, की वैल्यू आपके पास 4 है, आपको क्या निकालना है, कॉस निकालना है, तो हमें पता है कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस होता है कर्ली ब्राउन हेयर, बेस गायब है, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे, h² = p² + b² एक एक बात मैंने आपको पढ़ाई भी, h² 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, p² 9 हो जाएगा, b² 8 इज, सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, 16 में से अगर आप 9 को माइनस करते हो तो जाहिर सी बात है 7 आएगा, नॉर्मल सी बात है ना बेटा, 16 में से 9 को माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √7 के बराबर। तो प्यारे बेटे हमारे पास सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, √7 का √7, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज 4 था, तो ये आपका आंसर होगा। मगर बच्चा कहते हैं सर नो ऑप्शन वॉज देयर राइट, तो फिर चेक करना पड़ेगा बाकी ऑप्शन क्या गिवेन है, हो सकता है किसी ऑप्शन में डेसिमल प्लेस वैल्यू गिवेन हो, ये होता है, पॉसिबल होता है, फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स पूछा हुआ था। सिमिलरली बेटा हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला पूछा हुआ था, हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, हाइपरबोला का क्वेश्चन आया हुआ था, लेंथ ऑफ कॉन्जुकेट एक्सिस गिवेन है, भाई हाइपरबोला के क्वेश्चन में लेंथ ऑफ कॉन्जुकेट एक्सिस का मतलब क्या, 2b की वैल्यू आपको गिवेन है किसके बराबर, 12 के बराबर गिवेन है, यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल लोगे 6 आ जाएगी। आपको फोसाई का पॉइंट गिवेन है, फोसाई का मतलब क्या है, आपको प्लस माइनस सी की वैल्यू गिवेन थी 9 के बराबर, सही है ना, क्योंकि आपको प्लस माइनस 9,0 गिवेन है, इसका मतलब एक्स एक्सिस का हाइपरबोला आ रहा है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, क्या मुश्किल बात है, हम सबको पता है कि भैया फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपल तरीके, सिंप्लीफाई हो जाएगा, c² = a² + b² फॉर्मूला अप्लाई करो, जैसे c = a के ऊपर निकाल लो, अगर निकाल एसेंटिसिटी की बेस पर निकालना चाह रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -4 है तो बताइए कितने रियल रूट्स आ रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है भाई, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपके पास -4 होगा तो रूट्स रियल होते ही नहीं है, रूट्स तो फिर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी होते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली 0 होगा। इसी तरीके से हमारे पास हर बच्चे ने बताया हुआ था भाई कि सर सम ऑफ एल एक्स स्क्वायर, इस क्वेश्चन को मैंने करवाया हुआ है, कॉस एक्स की रेंज के क्वेश्चन को, एसेंट्रिसिटी ऑफ अ सर्कल किसके बराबर होती है, कितनी बार बताया था, सर्कल के एसेंट्रिसिटी 0 के बराबर होती है, मोमेंट ऑफ फोर्स आया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स एंड टू कॉइंस आर टॉस, सिंपल सी बात है बच्चों वाली क्वेश्चन है, टेंजेंट इनवर्स एक्स फाइंड करना था, टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स का डेरिवेटिव देना है, बच्चों वाली चीज है। मैराथन के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 तो कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कॉट 2x, क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, ये मेरे मैराथन के ऊपर से बच्चों ने मार्क कर करके भेजे हुए थे सर, सारे क्वेश्चन आपकी मैराथन से लगे थे, तो भाई मैंने एक ही चीज आपको करवाई हुई है, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको ना करवाया, वो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल का लिंक डाल दूंगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कहा था, आ रहा है कि बेटा पेपर के अंदर की लिमिट एक्स अप्रोच करिए इन्फिनिटी के ऊपर एन एक्स डिवाइड बाय एक्स, क्वेश्चन को मैंने करवाया हुआ था, आयोटा क्यूब का क्वेश्चन आ गया, तो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सारी के सारी मेरी पास पेपर्स की मैराथन से आ रहे हैं, इसको रिमेंबर दिस थिंग, सारे के सारे क्वेश्चंस पास पेपर्स की मैराथन से, मैं क्या आपको बताऊं यार, इसके अंदर मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। अच्छा मैंने तमाम पैसेजेस डाल दिए हैं आज के पर्टिकुलर डे के अंदर, ये बैटल वाला पैसेज बहुत ज्यादा रिपीट हुआ था, जितने भी पैसेज है मैंने सारे के सारे ये भी पीडीएफ के अंदर लगा रहा हूँ, तो लाजमी तौर पे इसको भी देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक शेयर करें, उन्हें बताएं कि भाई सर हाशिम की क्या रिक्वायरमेंट है, सर हाशिम की क्या बात है,
सराशन ने डे वन के एंड के ऊपर क्या सिचुएशन को डिफाइन करा है कि भाई देखो एलईडी के अंदर मैथ्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारी मेरी मैराथॉन्स हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई जरूरी नहीं है कि एलईडी के पास पेपर से क्वेश्चन आए, बल्कि जरूरी ये है कि भाई मैंने आपको एक एक क्वेश्चन ये करवाया हुआ है, मैंने जितने सिमिलर क्वेश्चन है सारे आपको करवाए हुए, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाया हुआ, ऐसा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा पेपर के अंदर जो मैंने आपको ना पढ़ाया हुआ, अगर आपने इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को लिया हुआ है, या अगर आपने कंप्लीट प्लेलिस्ट को ना भी लो, अगर आप ये स्टार्टिंग की सिर्फ ये 5 वीडियोस भी कवर कर लो ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ मैथ्स में टॉप पर क्या होगे बेटा। ये लाजमी तौर पे अपने दोस्तों से शेयर करो कि भाई सर हाशिम का ये फरमान है कि डे वन के एंड के ऊपर सर हाशिम ने तमाम पेपर्स को कंपाइल करा। भाई आपको किसी एप्लीकेशन के ऊपर किसी बेकार कोचिंग के पास जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने तरीके से बैठ के मेरी इस प्लेलिस्ट को कवर किया हुआ है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ बैठ के आप पूरे मार्क्स दे सकते हो मैथ्स के अंदर, 100 और 100 मार्क्स आपके आएंगे मैथ्स के अंदर। सिमिलरली फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, सारे पास पेपर बेस्ड है बेटा, सारे के सारे वो चीजें हैं जिसके ऊपर टीचर्स ने मेरी बड़ी मेहनत करी हुई है, नसीम भाई ने बड़ी मेहनत करी हुई है, प्याज ने बड़ी मेहनत करी हुई है, इसी तरीके से आपके पास कंप्यूटर के ऊपर से ताहिर ने बड़ी मेहनत करी हुई है। भाई सारे के सारे क्वेश्चंस वहां से हैं, एनईडी के अंदर जितने सॉफ्टवेयर में क्वेश्चंस थे, जैसे मैंने हजारों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे, तो भाई अगर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं आया तो उसी कॉन्सेप्ट को दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, आपने कॉन्सेप्चुअली लेना है। तो भाई ये मैराथन वीडियो बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, इसको खुदारा लाजमी कवर कर लो। मैं डे वन के एंड के ऊपर सिर्फ आपसे ये कहूंगा भाई मेरे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मैं सॉल्व करवाऊं मैं बोलूं कि वो नया आया था, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन पास पेपर बेस्ड है एनईडी के। तो बस मैंने इसीलिए वीडियो डिजाइन करी जो बच्चे परेशान हो रहे थे सर वीडियो क्यों नहीं आ रही अभी तक, तो मैंने सोचा चलो आपके लिए बना देता हूँ कि बेटा इस वीडियो के अंदर से मैंने यही बात आपको बताई है कि भाई जितने क्वेश्चन है सारे मैथ्स के पास पेपर्स की प्लेलिस्ट से आ रहे हैं, जितने क्वेश्चन है सारे मैराथन से आप कवर करो उस देखो मैराथन की रटे नहीं मारने, 6 घंटे की मैराथन है, अगली वीडियो 2 घंटे की 1 घंटे की है, तो भाई उसके अंदर से कॉन्सेप्ट समझो क्या कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको आ रहा है स्किप करके आगे बढ़ जाओ लाजमी तौर पर, मगर लेक्चर को लो, लेक्चर में जो बात मैंने आपको पढ़ाई है सारी की सारी बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। अच्छा पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रहा हूँ, उसको लाजमी तौर के ऊपर डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा, और लाजमी तौर पे मैराथन को कवर करें, सारे मैंने पेपर्स आपको शेयर कर रहा हूँ। बेटा रिमेंबर दिस थिंग, हर बच्चे का पेपर दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होगा, तो अगर आप किसी बच्चे से पेपर पूछ भी रहे हो तो उसका फायदा नहीं होगा आपको, पहले मैं बता देता हूँ भाई, हर बच्चे का दूसरे बच्चे के मुकाबले में पैसेज डिफरेंट होगा। अगर बैटल फील्ड वाला पैसेज एक बच्चे के पेपर में आया है तो एनईडी के पास 10,000 पैसेज मौजूद है, मैंने सारे पैसेज अपने एनईडी के ड्राइव में डाले हैं, एक एक पैसेज मेरा एनईडी के ड्राइव के अंदर मौजूद है, तो भाई कोई इसके अंदर मुजायका नहीं है कि अगर आप पैसेज का कॉन्सेप्ट समझ लो ना, भाई रट्टे मारने की नीड नहीं है, मैं हमेशा बच्चे से कहता हूँ खुदा रट्टे मत मारो, भाई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एक पैसेज को भी तरीके से समझ लिया तो आप जैसे हर पैसेज को समझ सकते हो। भाई जहां पे कॉन्सेप्चुअली चलना है वहां पे कॉन्सेप्चुअली चलो, जहां पे आपको वाकई में लर्निंग की जरूरत है वहां पे लर्निंग करो, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है वहां पे कॉन्सेप्ट सीखो। अब इंग्लिश में जो पैसेज होता है उसको लेकर बच्चे परेशान चल रहे होते हैं, भाई पैसेज एक ऐसी चीज है अगर आपने दो पैसेज भी तरीके से बैठ के पढ़ लिए तो तीसरा आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, उसके अंदर सिंपल ने पैसे से क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है उसमें इतना मुश्किल नहीं होता। देखो पैसेज हर बच्चे का डिफरेंट होता है नॉर्मली, सर कितने पैसेज के रट्टे मार लोगे, कितने के रट्टे मार लोगे, अब हर चीज के रट्टे नहीं मार सकते। रिमेंबर दिस थिंग, फॉर मैथमेटिक्स आई कैन गाइड इन अ वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिकल मैनर कि भाई मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, आपने अगर मैराथन की वीडियो का कॉन्सेप्ट तरीके से लिया हुआ है आप हर तरह के क्वेश्चन को एस कर सकते हो, मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ बेटा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो मैंने इसीलिए बस ये वीडियो डिजाइन करी कि आपको बात पूरी बता सकूं समझा सकूं, यहीं पे इस वीडियो को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि भैया मेरी बात पे अमल करेंगे इंशाल्लाह, और अपने क्वेश्चन को जरूर मुझसे शेयर करिएगा आफ्टर योर डे टू, आफ्टर डे टू मैं उसको भी कंपाइलेशन एक कर दूंगा, मगर अगेन सारे क्वेश्चन रिपीटेड है तो उसके ऊपर मैं क्या नई चीज सॉल्व करवाऊं बेटा आपको।